24 Live Review. भागलपुर स्थित स्पन सिल्क मिल परिसर को विकसित करने का काम चल रहा है। पहले फेज का काम पूरा हो गया और मशीन मंगा लिए गए हैं। करीब 2 महीने में यह काम शुरू हो जाएगा, जिसमें अभी तत्काल 1000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सिल्क सिटी पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद करीब 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। लगातार तेजी से इस पे काम किए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर और कामगारों को रोजगार मिले, उसके लिए बिहार सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि कई आधुनिक मशीन रास्ते में ही फंसे हुए हैं। लॉकडाउन समाप्त होते ही मशीन भागलपुर पहुंच जाएगी। सिल्क मिल में काम कर रहे प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज राजीव कुमार ने बताया कि सिल्क सिटी में सिल्क से संबंधित अनुसंधान और विकास तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, सामान्य सुविधा केंद्र, रॉ मटेरियल बैंक, रिटेल मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज और लॉजिस्टिक आदि से संबंधित अन्य सहायक इकाइयां भी यहां स्थापित की जाएगी, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां से रोजी रोटी वो कमा सकेंगे। किस तरह से यहाँ काम चल रहा है और कितना समय लग सकता है, और अभी वर्तमान में कुछ दिनों में कितने लोगों को रोजगार सृजन करने वाला ये प्लान तैयार हो रहा है? हम लोग जो ये सिल्क सिटी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, इसमें कंप्लीट टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होने जा रही है, जिसमें जो है सिल्क का, खादी का, आपका हैंडीक्राफ्ट आइटम टोटल इसमें रहेंगे। अभी इनिशियल फेज में जो हमारा फेज़ 1 का काम था वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, और इसमें अभी फर्स्ट फेज़ में जो काम आएगा इसमें तकरीबन जो है 1000 लोगों को उम्मीद करते हैं, 1000 बुनकर प्लस जो सिलाई से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। और पूरा प्रोजेक्ट अभी जो फेज बाय फेज चलेगा, इसमें बहुत सारा काम है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। और अभी किस कंपनी से ये हमारा जो है टाइप हुआ है इनका, OIS गोवटेक प्राइवेट लिमिटेड। और किस किस टाइप का यहाँ काम चलेगा? काम इसमें कम्प्लीट टेक्सटाइल वर्क होगा, आपका सिल्क से जुड़ा हुआ सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें लगेगा, चाहे खादी से जुड़ा हुआ अपना कॉटन इंडस्ट्री है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट। इसको शुरुआत करने में अभी और कितना साल लगेगा? शुरुआत हमने बताया अभी पहला फेज जो है हमारा इस मंथ के एंड में, यानी 1 महीने के अंदर हमारा पहला फेज वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। अब पहला फेज में कितने मतलब कर्मियों को यहाँ काम मिलेगा? तकरीबन 800 से 1000 लोगों को पहले फेज में रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब पहला फेज में काम क्या होगा? पहले फेज में जो हमारा काम है कॉटन इंडस्ट्री का काम है, इसमें कॉटन का काम होगा, हमारा हैंडलूम और पावर लूम के लिए यहाँ मशीनरीज आएंगे, जिसके लिए यहाँ बुनकर लोगों की आवश्यकता होगी, वो धागा और कपड़ा तैयार करेंगे। नाम राजीव नाम है मेरा।